पहली गेंद हल्के हाथों से थोड़ा सा बड़ी के ऊपर ये गेंद आया और यहाँ पे सिंगल बटोरते हुए पहला रन भी लायंस के लिए। इस बड़ा मुकाबला का महत्व क्या है, इस मुकाबला को आप जब जीत लेते हैं तो क्वार्टर फाइनल पे आप पहुंच जाएंगे। कृष्णा सतपुते अभी तक बल्ला खामोश है, लेकिन इस मुकाबला पे क्या इनका बल्ला हल्ला बोलेगा। बढ़िया ड्राइव डीप कवर के दरमियान पहला रन कृष्णा सतपुते के लिए, उड़ीसा धमाका। इस खिलाड़ी का इंतजार था, इस खिलाड़ी को देखने के लिए लोग बड़े दूर दूर से आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ धोनी बाएं हाथ का ये धोनी क्या यहां पे कमाल कर पाएगा। सामने बबलू, और एक बार डाउन द ग्राउंड सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा पर और एक सिंगल बटोरते हुए दल का स्कोर पहुंचता हुआ 3 रन पर, 3 सिंगल। कृष्णा सतपुते और धोनी का जोड़ी भी लायंस के लिए, 2 खतरनाक बल्लेबाज। लेकिन कृष्णा सतपुते और एक बार स्ट्राइक पर बबलू, और एक बार ओवर दे के दूर वाली छोर से बहुत दूर भेजा है गेंद को, पहला छक्का कृष्णा सतपुते का ओडिशा धमाका में, धमाकेदार खिलाड़ी, धुआंधार शॉट, पहला मैक्सिमम। www.com कृष्णा सतपुते वेलकम। पहला छक्का आ चुका है, थोड़ा सा अष्टम के बाहर ऊपर डालने का प्रयास उस गेम पे, सिंगल सिंगल के चलते दल का स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन पर। पहले बल्लेबाजी करता हुआ भी लायंस, और निश्चित तौर पर एक बड़ा टारगेट सेट करना चाहेगा। सामने बबलू, बाएं हाथ का धोनी स्ट्राइक पर, संजय एक साई, ये खराब गेंद, ये नो बॉल, और ये गेंद निकल जाएगा और देकर जाएगा चौका। 4-1-5 का पंच धोनी के बल्ले से, 15 रन पर पहुंचता हुआ टीम भी लायंस के लिए। बढ़िया शुरुआत, संजय एक्साई के गेंदबाज को विकेट का तलाश करना पड़ेगा, शुरुआती झटका देना पड़ेगा। और हर किसी ने इंतजार किया है कृष्णा सतपुते एक बढ़िया पारी खेले, एक लाभदायक पारी खेले, जिस पारी पे इनका झलक हो। लेकिन धोनी बड़े खिलाड़ी, निश्चित तौर पर बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं, ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट पे अपने आप को साबित कर चुके हैं धोनी। उड़ीसा बारीपदा से बिलोंग करते हैं, चाहे हम बात करें राजनंदिनी कप या फिर इंडिया कप, मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, मुंबई प्रीमियर लीग, IPL, इस सारे टूर्नामेंट पे ये सारे खिलाड़ी आपको नजर आते हैं। लेकिन कृष्णा सतपुते निश्चित तौर पर इंडिया टेनिस का सबसे बड़ा सितारा। पहला ओवर 15 रन बिना कोई नुकसान, दल की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आएंगे। गेंदबाज का नाम, बॉलर नेम प्लीज। बीजू विजय, ये भी एक अच्छे गेंदबाज हैं। उड़ीसा पहला मैच पे मैडम तो मैच बने थे, और उड़ीसा में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है
बहुत बार खेल चुके हैं उड़ीसा के सर जमीन के ऊपर, लेकिन सामने कृष्णा सतपुत है। अब की बार दूसरी बार बढ़िया गेंद, बढ़िया शुरुआत। बीजू बीजे इनका जो कदकाठी है, इनका जो हाइट है, अपनी गेंदबाजी पे फाइट बैक करना चाहेंगे। 15 रन पहला ओवर पे आया था, दूसरा ओवर जारी है। खराब गेंद और इसको पॉइंट में फील करते हैं ना, और एक के सिंगल बटोरते हुए, और इस सिंगल के चलते दल का स्कोर पहुंचता हुआ 16 रन पर। सुभंकिन धोनी, लेकिन यहां पे विकेट का खोज करना पड़ेगा, ये साझेदारी को तोड़ना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अब विकेट चटकाए, दबाव डाले सामने वाले टीम के ऊपर, उनकी बैटिंग लाइन के ऊपर, और एक बार लगभग नो फुल टॉस, बल्ले का बाहरी सिरा लेता हुआ गली के स्थान पर फील्ड, और एक सिंगल मुकम्मल करते हुए धोनी, और इस सिंगल के चलते दल का स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन पर। कृष्णा सतपुते का काम तमाम, बड़ा सफलता मिलता हुआ। बीजू विजय अपनी टीम को विजय रन पर सब्बार करने के लिए ये विकेट चाहिए था। संजय एक साई विकेट को चटकाता हुआ पटकनी दे दिया है, पलटवार कर दिया है वाइजाक के ये खिलाड़ी। यहाँ पे कमाल करते हुए संजय भाई बहुत खुश है। तो बड़ा सफलता, नए बल्लेबाज उतरने हुए असलम खान, 17 रन पे पहला विकेट कृष्णा सतपुते। उनका फॉर्म खास तौर पर उड़ीसा में उनका बल्ला अभी तक चला नहीं है, सिर्फ एक छक्का लगा के आउट हो चुके हैं। 17 पर पहला झटका, 17 पे खतरा बनता है और खतरा बना। अब नए बल्लेबाज असलम खान, बीजू विजय सामने असलम खान। हम बात कर रहे थे कि इंडिया का वो स्टार खिलाड़ी थे कृष्णा सतपुत, लेकिन उड़ीसा का सबसे बड़ा सितारा इस समय स्ट्राइक पर। इसका जो गहराई है उसका भरपूर फायदा उठाते हैं असलम, पहला रन असलम के लिए। लेकिन बीजू विजय का तारीफ करना पड़ेगा, संजय साई को कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ पे बेहतर गेंदबाजी करना पड़ेगा। अभी तक बढ़िया वापस रहा है, पहला ओवर पे 15 रन आया था, लेकिन दूसरा ओवर में सिर्फ 3 रन आया है। और बहुत बड़ा मछली को जाल पे फंसाया बीजू विजय, शॉट है धोनी के बल्ले से, अद्भुत शॉट 6 रन के लिए। लंग ऑफ के ऊपर से लंबाई और ऊंचाई, उंच कोटि का शॉट, धोनी का धुन। ओवर खत्म, 2 के बाद 26, 1 विकेट के नुकसान पर। योगेश सब गेंदबाजी पर, और यहां पे उछाल मिला था गैप पे, गेंद को ढकेला बढ़िया फील्डिंग वहां पे, संपूर्ण समर्पण, लेकिन 2 रन यहां पे आसानी से पूरा करेंगे असलम। और इस 2 रन के चलते दल का स्कोर पहुंचता हुआ, चार चार
योगेश का पहली गेंद दो रन देकर गया है और इस दो रन के चलते उनका स्कोर पहुंचता हुआ फिर दोबारा माइनस चौका डालिए। यहाँ पे बाउंड्री मिलता हुआ, बढ़िया फील्डिंग लेकिन बाउंड्री नहीं रोक पाए। असलम खान फिर दोबारा स्ट्राइक पर, 28 रन पर पहुंचता हुआ टीम, लेकिन यहाँ पे विकेट मिलता हुआ, जबरदस्त कैच, रनिंग कैच असलम का, विकेट मिलता हुआ यहाँ पे संजय एकसाई को। कुछ अलग अंदाज से क्रिकेट खेलता हुआ संजय एकसाई, जो सर जज्बा और वो जनून को दिखाते हुए उनके गेंदबाज, पहले बीजू विजय उसके बाद योगेश, कमाल की गेंदबाजी, पूरी तरीके से सिकंजा कसा है। सुधाकर नायक धोनी स्ट्राइक पर, और एक टेस्टिंग डिलीवरी, लेकिन अंपायर का मानना है व्हाइट बॉल, टप्पा खाने के बाद कांटा बदला और ज्यादा बाहर की तरफ। 29 रन पर पहुंचता हुआ भी लायंस, और एक बार योगेश सामने सुधाकर, और एक बार कट किया, जो रूम मिला था उस रूम के तहत गेंद को गैप पे ढकेला, सिंगल यहां पे बटोरते हुए, सिंगल के चलते दम का स्कोर पहुंचता हुआ। तीसरा दो विकेट संजय एकसाई, उनके गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करते हुए। और एक बार बल्ला घुमाया, स्पालिक बाउंड्री के बाजू से, और एक के सिंगल चुराते हुए शुभंकित धोनी। और एक बार शॉट बढ़िया है, स्वीप किया, चौका का चक्कर लिया, स्पालिक बाउंड्री के दिशा पर, ये BSNL चौका, दल का स्कोर पहुंचता हुआ 35 रन पर। पिंकु भाई जते यही चौका तो आपण कोई थाने ताले केमती कोई थाने देखन तो जत बळे यार सब प्राइस जक थिले ब्रिटानिया 50-50 टिंग 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 भाई ताली हो आहुरी अनेक भिलियन मरिनी नाटक सरीनी रे बिगड़ा तगरा खेलवर रे मंजवाले सर कांगरा डाटा तो बांड। और एक बार खराब गेंद, ब्रीद मिला था और उसको फायदा उठाते हुए धोनी, पॉइंटर कवर के ऊपर से और एक बेहतरीन छक्का सुधाकर, 6 के साथ दिया है शुभ समाचार। बीजू विजय का पहली गेंद, कलाई का उपयोग, स्पालिक बाउंड्री की दिशा पर, और एक के सिंगल चुराते हुए, और इस सिंगल के चलते दल का स्कोर यहाँ पे थ्रो लगा है और एक रन लेने का प्रयास, लेकिन सुधाकर नायक ने मना किया क्योंकि इस समय आप रनआउट के माध्यम से विकेट गंवाना नहीं चाहेंगे। 42 रन दो विकेट, लवली डिलीवरी, गेंदबाजी पे वो पहनापन, वो धार अभी तक देखने के लिए मिला है बीजू विजय। जब जब गेंदबाजी करते हैं मेरे को थोड़ा सा ईशान शर्मा का याद दिलाते हुए, बहुत बढ़िया नियंत्रण रहा है गेंद के ऊपर, ये खराब गेंद और उसका फायदा नहीं उठा पाए।
और थोड़ी देर के लिए अंपायर को देख रहे थे क्या गेंद कमर के ऊपर था, नहीं नहीं नहीं, कमर के नीचे, और काम तमाम यहाँ पे सुधाकर नाइक का। बीजू विजय जब जब आए हैं तब तब विकेट मिला है संजय एकसाई को। इसीलिए कहा जाता है कि जो लिखते हैं मुकद्दर की इबारत, कि जो लिखते हैं मुकद्दर की इबारत वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है, जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर वो लड़का तारों पर खड़ा है। संजय विश्वनाथ लड़के मैसेज कर दियो से टिकर आसुनी अंबिका को मैसेज कर दियो कि टिकर ऑन करिवे और देखो जो मैच ऐसे होता है। 42 रन 3 विकेट। और एक बढ़िया गेंद लेकिन सीधा लॉन्ग वन की दिशा पर, और एक सिंगल यहां पे मिलता हुआ, और इसी के साथ विश्वनाथ का खाता खुला है। 199 का स्ट्राइक रेट, 43 रन पर दल का स्कोर भी लायंस। पहले बल्लेबाजी करता हुआ संजय एकसाई अभी तक प्रभावित किया है, प्रभावशाली गेंदबाजी देखने के लिए मिला है। आराम से और एक बार छोटी गेंद, बाउंसर का प्रयास किया था लेकिन बाउंस बैक किया धोनी ने, फिर दोबारा बल्ला घुमाया, देह घुमा के ले छक्का, और इस 6 रन के चलते दल का स्कोर पहुंचता हुआ 49 3.3। चार ओवर के बाद 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर सुधाकर नायक आउट हो चुके हैं। उत्तम महंती आपका स्वागत। बढ़िया गेंद, डॉट बॉल के साथ हुआ है शुरुआत, हर गेंद पे तालियां लगाते हुए संजय भाई, और उनके लिए इस मैच को जीतना बहुत जरूरी। और थोड़ी देर पहले मैं जब संजय भाई के साथ बातचीत कर रहा था वो थोड़ा सा भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। पहली बार क्रिकेट पे कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए हैं, पहले साई गैलेक्सी नाम से खेल रहे थे, अब संजय एकसाई। और एक बढ़िया गेंद लेकिन खराब विकेट कीपिंग, और यहां पे बाउंड्री मिलेगा बाई के तौर पर। दल अपना हाफ सेंचुरी पूरा करता हुआ 53। विश्वनाथ और शुभंकित धोनी इस पारी को आगे की तरफ लेकर जाते हुए, गेंद पे कमियां था नहीं लेकिन विकेट कीपिंग वहां पे चूक यानी कि चौका। 53 रन 3 विकेट। अगली गेंद भी सतीश का, विश्वनाथ कुछ अलग लोग नजर आएगा। संजय एकसाई विकेट कीपर को देखेंगे, उनका बाल बहुत लंबा है, धोनी जैसा बाल लेके वो विकेट के पीछे, और विकेट के पीछे कोई खिलाड़ी गेंद को पलट देता था, उसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, लेकिन ओडिशा का धोनी क्या कर पाएगा इस समय। 54/3 10 गेंदों पर 21 रन बना चुके हैं, काफी बढ़िया पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। सतीश का और एक बढ़िया गेंद ऊपर डालने का प्रयास, और सिर्फ यहां पे सिंगल मिलेगा। बढ़िया ओवर अभी तक साबित होता हुआ, उस बाई चौका को अब थोड़ा सा साइड पे रखेंगे,
उसके बाद जो लाइनर लेन पकड़ कर गेंदबाजी किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन। दल का स्कोर 55 रन। अगली गेंद लेकर 20 अतीत सामने विश्वनाथ। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल किए, गेंद को मिड विकेट की दिशा पर ढकेला और एक के सिंगल चुराते हुए छक्का चौका बहुत कम देखने के लिए मिला है इस पारी पे। जो टॉप ऑर्डर था वो फेल हुआ। कृष्णा सतपुते, असलम खान, सुधाकर नायक जरा कुछ कमाल नहीं कर पाए। अगली गेंद भी सती सामने धोनी। बढ़िया लाइन, थ्रू द लाइन इस गेंद को खेला है, सीधा लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथ पे गेंद और एक सिंगल चुराते हुए स्ट्राइक रखेंगे अपने पास धोनी। और इसी के साथ ओवर का समाप्ति। 5 ओवर में स्लिप और स्लिप 57 रन। यहां पे तारीफ करना पड़ेगा टीम संजय एक्साई का, 57 रन। आखिरी ओवर का खेल बचा है, तालियों से स्वागत कीजिए या फिर हौसला अफजाई कीजिए संजय एक्साई के लिए। सम्राट उड़ीसा धोनी प्रयास, कैच का संभावना एवं सुंदर कैच, पूरी गोटे विकेट। एटी टीम पाई लगातार विकेट प्रपत्र घटुची। वी लायन पाई चिंतार विषय। पूर्व मैच रे मध्य कम स्कोर जोन टार्गेट रे टीम मध्य असलम को सुंदर बैटिंग बोलने जीती नहीं थी, किंतु ए मैच रे वर्तमान पर्यंत से परी किसी आखिर दूसरा बैटिंग देखने को मिली नहीं। वी लायन पाई विकु लायन पाई एठारे सिंहर गर्जन करने को पड़ो। तेरे टीम तरफ बढ़िया मध्य प्रवेश कर ऋषु सिंह टीम जड़े दक्ष ऑलराउंडर उभय बैटिंग एवं बोलिंग पाई टीम पाई सर्वदा फायदा लगाई था। अंतिम ओवर सुजोग मिली बैटिंग पाई जो पूरी भावे संजय एक्साई टीम ने टूर्नामेंट रे प्रदर्शन करी छु समस्त को प्रभावित करी छंती ए दक्षिण भारतीय खिलाड़ी माने। वैशाख रु आसुति पाई खिलाड़ी माने निश्चित भाव रे निजर प्रदर्शन जरिया समस्त को हृदय रे स्थान पाई छंती। ऋषु सिंह टीम तरफ रु तमे छाड़ दे दे नूतन खिलाड़ी भाव रे जने दक्ष ऑलराउंडर उभय बैटिंग एवं बोलिंग रो दक्षता रखती। अंतिम पांचटी बॉल सुजोग टीम को आमे लक्ष्य करूछे, दुई शक्तिशाली टीम को आमे लक्ष्य करूछे पड़िया मध्यरे। वी लायन बैटिंग एवं संजय इलेवन बोलिंग मध्यरे गोटे कड़ा मैच देखा मिलूछी। संघर्षपूर्ण मुकाबला दुई शक्तिशाली टीम मध्यरे दुई दाबीदारी दल मध्यरे ए मैच रो विजयी टीम। परवर्ती बॉलिंग बॉलर अनिल लंबारो ने अपने सामने प्रथम तो पाई रिसु जोरदार मारे प्रयास। सुंदर बॉल, सुंदर बॉलिंग में धारा उत्साह जगा उठी। बॉलर मानो को चमत्कार बॉलिंग सामने शक्तिशाली बैटिंग लाइन अप किंतु अंकुश लगाई छती रन गति रे अंकुश लागी छी भिकु लायन वी लायन रन गति रे रन संख्या को बढ़ेबा को पड़िबो गुटे बॉल टारगेट रे पहुंचेबा को पड़िबो। सुंदर शॉट सुजोग नहीं फील्ड को पाई बॉल सीमारे कर बाहर पूरी गोटी 6 रन स्कोर पहुंची सारी छी 63 रन ने। सुंदर बैटिंग नमूना, दर्शनीय बैटिंग नमूना, एही पर किछ शॉट रो आवश्यकता अछि। ऋषु को बैट गोटे स्कोर आसी गोटे बड़ शॉट देखा मिली एपर किसी शॉट अंतिम भाग में गोटे बड़ लक्ष्य को टारगेट प्रस्तुत कर विपक्ष टीम थारे हेलीकॉप्टर किंतु खेली मौजूद अच्छा सुंदर भाव चमत्कार भाव मैच रे बोलिंग धारा जारी रही किसी आखि दुर्सा शॉट एशाबत देखिए मिलनी लगातार भाव बाउंड्री को डील कर पार ना बैट्समैन माने किंतु जो भी भाव मैच बर्तमान पर्यंत रही कहीं आम जी लक्ष्य करवा उभय टीम को संजय एक्साई टीम सुंदर प्रदर्शन करिया से संजय एक्साई टीम लगातार भावे ए टूर्नामेंट प्रभाव विस्तार करुची।
पूर्व मैच रे विधानपुर विपक्ष रे वर्तमान व्हील आईएम विपक्ष रे सुंदर प्रदर्शन करी आसी समरा लेग स्टंप बाहर है प्यारे को वाइड भाबे घोषणा करी छंती अतिरिक्त भाव रे पुनी गुटी रन 65 रन ने पहुंची छी टीम स्कोर गुटी गुटी रन बुद्धि पाउची टीम व्हील आईएम पाए किंतु अधिक संख्यक रन आवश्यकता आज मैच रे निराश करी छंती पुनी थरे कृष्ण सातपुते असलम खान पूर्व मैच रो हीरो ए मैच रे से परि किछि अधिक रन करी पारिना आंती सुधाकर नायक मध्य निराश करी छंती तबे बिकू एवं रिसु का जोड़ी ऊपर निर्भर करू छी मैच कारण पूर्व मैच रे रिंकू जेना ए मैच रे बात पड़ी छंती पूर्व मैच रे सुंदर बैटिंग प्रदर्शन करले रिंकू जेना वर्तमान पर्यंत स्कोर 65 रन ने बोलर अनिल अनिल तरफ परवर्ती बॉल नहीं अरे बिगो सुंदर शॉट क्या पे बॉल एवं चौका चौका माध्यम रे स्कोर पहुंची सारी छी 69 69 रन ने वर्तमान दलगत स्कोर सुंदर बैटिंग रो नमूना चमत्कार बैटिंग रो नमूना बिकु को बैट रो बड़े सुंदर चौका कोनोसी मौका नथिला फील्डर को पाई स्कोर पहुंची सारी छी ए चौका माध्यम रे 69 रन ने मैच को फिनिश करी चली नहीं जो बैट रो सुंदर शॉट माध्यम रे स्कोर पहुंची सारी छी 75 रन ने 76 रन टारगेट रिक्वेस्ट रहबा कदर एक्साइरो कैप्टन एवं मारुति एक्साइरो कैप्टन के दया करी